दुर्लभ संयोग, 80 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण। इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत और ये 6 राशियों वाले रहें सतर्क। साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अब लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण, वो भी 80 साल बाद। यह 16 मई सोमवार को लगेगा और एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, साथ ही वैशाख पूर्णिमा की तिथि और विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, इसलिए इस ग्रहण के कारण इस राशि के लोगों के जीवन में कई परिवर्तन महीनों तक प्रभावित करेंगे। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण परिग योग में मनाई जाएगी। 6 राशियां होंगी मालामाल। मेष, कन्या, मकर, मीन, सिंह, मिथुन राशि के लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, बिजनेस में चल रही दिक्कतें दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। नई जॉब लगने की संभावनाएं मजबूत होंगी, अधूरे काम पूरे होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और इन 6 राशियों को चंद्र ग्रहण के दिन सतर्क और सावधान रहना होगा। ये हैं राशियां कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, वृषभ और कुंभ। इस साल कुल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे और ये दोनों ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे। पहला 16 मई और दूसरा 8 नवंबर को लगेगा। 16 मई को लगने जा रहा है यह चंद्र ग्रहण सोमवार को सुबह 7:58 से आरंभ होकर 11:25 तक। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, इस वजह से यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण के वक्त राहु चंद्रमा को निगल लेता है, इस वजह से चंद्रदेव कष्ट में होते हैं। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सका। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण जहां दिखाई देता है वहां के लोगों पर प्रभाव डालता है। सूतक काल के दौरान ग्रहण में इन बातों का खास ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण का शांति पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। सूतक काल में ना खाना खाएं और ना बनाएं। अगर बन चुका है तो तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। ग्रहण के समय होने वाली पूजा में मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। सूतक काल में काम या क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। गर्भवती महिलाओं को भी इस वक्त विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और ग्रहण के वक्त बाहर जाने से बचना चाहिए।